कोखला के एमएलए और अब्दुल्ला खान ने अब इस रोड को बना दिया है। यहाँ पे गंदगी न फैलाइए और इस बेहतरीन रोड को इस्तेमाल कीजिए। सालों तक आपने यहाँ पे तकलीफ झेली है, अब इस रोड को इंजॉय कीजिए। दोस्तों मैं अभी जसोला पुलिया के पास हूँ। ये वही वाली पुलिया है जो कुछ दिनों पहले तक बहुत ज्यादा बदनाम थी। ये पुलिया शाहीनबाग को जसोला से जोड़ती है। यहीं पे मंगल बाजार भी लगता है। आप जानते हैं कुछ दिनों पहले तक यहाँ पे हद से ज्यादा गंदगी हुआ करती थी। यहाँ ऐसी गंदगी जो पता नहीं 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल न जाने कितने दिनों से ये गंदगी यहाँ पर थी। बहुत बुरा हाल था। इधर लोग पूरे में गंदगी फैलाए हुए थे, इधर लोग पूरे में गंदगी फैलाए थे पूरा। इस पे हद से ज्यादा धूल हुआ करती थी। ओखला के बारे में लोग कहते थे अगर ओखला में कहीं पर सबसे ज्यादा गंदगी और धूल है तो वो इसी पुलिया पर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसकी पूरी तरह से सफाई कर दी गई और अब उसके बाद एमएलए अमतुल्ला खान की तरफ से इस पे रोड भी बना दिया गया है पूरी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से। जी हाँ, जिस पुलिया पे पिछले कई सालों से गंदगी थी पहले तो उसकी गंदगी साफ कर दी गई। अरिबा खान ने इससे कुछ दिनों पहले किसी गंदगी साफ की थी, उसके बाद अब ओखला के एमएलए अमतुल्ला खान के जरिए इस रोड को पूरी तरह से बना दिया गया है। ये रोड मैं आपको बता दूं इतनी ज़्यादा बिजी रोड है। इस तरफ ये इलाका देख रहे हैं आप, जसोला की तरफ, बदरपुर की तरफ, अपोलो हॉस्पिटल की तरफ, मेहरौली की तरफ, यानी शाहीनबाग के लोग इस रोड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। न सिर्फ शाहीनबाग के बल्कि अबुल फजल के लोग भी, बटला हाउस के लोग भी इधर से जाते थे, वो इधर से होते हुए अपोलो की तरफ जाते थे, बदरपुर की तरफ जाते थे। बहुत ज़्यादा बिजी रोड था ये, लेकिन इसकी हालत इतनी ज़्यादा गंदी थी कि यहाँ पे आने में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि अगर लगातार इस पे आया जाए तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, बल्कि बहुत सारे लोग इस यहाँ पे जो गंदगी थी उससे बीमार भी हुए थे। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मेरी सांसों में तकलीफ हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई सालों के बाद आखिरकार एक तो यहाँ पर सफाई हो गई और दूसरे अब यहाँ पर रोड भी बन गई है। ठीक इसके साथ साथ आप जानते हैं शाहीनबाग थाना भी है। शाहीनबाग थाने के पास भी जो रोड है वो भी बुरी तरह से टूटे हुई थी। मैंने एक नहीं दो नहीं दसियों बार वहाँ पे ई रिक्शा को पलटते हुए देखा, स्कूटर वालों को गिरते हुए देखा, औरतों को गिरते हुए देखा, बुजुर्गों को गिरते हुए देखा, मगर बहुत दिनों तक ये रोड बनी नहीं थी। मगर बहुत अच्छी बात है कि ओखला के एमएलए अब्दुल्ला खान ने अब इस रोड को बना दिया है। अब देखिए रोड कितनी अच्छी हो गई है। अब ई रिक्शा भी बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, जो बाइक वाले गुजर रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से जा रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि ये रोड इसी तरह अच्छी हालत में, साफ सुथरी हालत में कब तक रहती है। चूँकि ओखला के लोगों में खराबी ये है कि उनको दिल में जहाँ भी आता है गंदगी फैला देते हैं। जहाँ अंधेरा में उन्होंने खाली स्पेस देखा वहाँ पे कूड़ा फेंक दिया। ये कूड़ा फेंकने की कोई जगह नहीं थी। रोड टूटी हुई थी ये तो खैर जिम्मेदारी किसी के, रोड टूटी होगी तो वो बना देंगे, लेकिन कूड़ा अगर आप कहीं कहीं फेंक देंगे तो ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आप यहाँ कूड़ा फेंक दीजिए, कल वहाँ फेंक दीजिए, परसों वहाँ फेंक दीजिए और फिर ये कहिए कि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो ऐसा नहीं है। जो जगह कूड़ा फेंकने की वहीं पर कूड़ा फेंकिए। और आपको जो एक अच्छी रोड अमतुल्ला खान ने बना के दी है, उनके लोगों ने बनवाई है, तो ज़रा इसका भी ख्याल रखिए। यहाँ पे गंदगी ना फैलाइए और इस बेहतरीन रोड को इस्तेमाल कीजिए। सालों तक आपने यहाँ पे तकलीफ झेली है, अब इस रोड को इंजॉय कीजिए। आपको इस रोड के बारे में बता दूँ ये रोड एग्जैक्ट कहाँ पर है। जो लोग भी इस रोड का इस्तेमाल करते थे उनको तो अंदाज़ा हो गया होगा ये मैं किस रोड की बात कर रहा हूँ। ये जो आप सामने हमारे देख रहे हैं ये है जसोला बिहार शाहीनबाग मेट्रो स्टेशन। ये वाला मेट्रो स्टेशन है। ये वाला जो पिलर आपको दिख रहा है ये दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसी का ये पिलर है। और ये वाली जो कॉलोनी है, ये वाली कॉलोनी जो आपको नज़र आ रही है ये है शाहीनबाग, और ये है शाहीनबाग वाला थाना। ये है शाहीनबाग थाने का हिस्सा और यहीं पे ये वाली रोड थी। ये रोड बहुत ही बुरी हालत में थी। एक तो इस पे गंदगी बहुत ज़्यादा थी और दूसरे ये बिल्कुल टूटी फूटी थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी ये रोड। जो लोग भी इस रोड का इस्तेमाल करते थे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुआ करती थी। और देखिए अभी आपको अंदाज़ा हो रहा है कितने ज़्यादा लोग इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। इन सबको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन अब इस रोड के बन जाने से जो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं उन सबको बहुत आसानियाँ हो गई हैं। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि ओखला के एमएलए अमतुल्ला खान उस इलाके में दूसरी सारी रोड बची हुई है उसको भी मुकम्मल कर देंगे। एक रोड जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जामिया नगर थाने के पास, उम्मीद है कि उस पर भी जल्द काम शुरू होगा और वो रोड भी बना दी जाएगी। ये है शाहीनबाग थाना। ये रास्ता अबुल फजल इनकलेब की तरफ जाता है और ये वाला हिस्सा जो है ये जाता है शाहीनबाग की तरफ। इसके फौरन बाद ही शुरू हो जाता है अल्लामा शिबली रोड। ये वाली जगह आप सब लोगों को मालूम है ये वाली जगह कितनी ख़तरनाक थी पहले। जो लोग भी इस रोड का इस्तेमाल करते हैं उनको मालूम होगा ये जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी। यहाँ पर बिल्कुल टूटा फूटा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी लोगों को ये वाले हिस्से पर। ये वाला हिस्सा तो बहुत ही डेंजर था, अक्सर यहाँ पे ई रिक्शा वाले पलट जाया करते थे इस वाली जगह पे। देखिए
इस वाली जगह पे अक्सर रिक्शा वाले पहुंच जाते थे। बहुत ही टूटा फूटा था, अजीब सा ऊंचा था, अजीब सी परेशानी यहाँ पे लोगों को होती थी, मगर अब इसको बना दिया गया। देखिए बहुत अच्छा काम हुआ है, देखिए इसको अब बना दिया गया, इस वाले हिस्से को अब बना दिया गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुआ करती थी, अब लोगों की ये परेशानियाँ दूर हो गई हैं। बहुत ज़्यादा झेला लोगों ने इसको। अब एक अच्छी बात यह है, कोकला के एमएलए अमतुल्ला खान ने इस रोड को बना दिया है, जिससे उन सभी लोगों की परेशानी दूर हो गई है जो इस रोड का इस्तेमाल रोजाना करते थे।